अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप ये मेरे सामने ये बॉक्स देख रहे हैं और आप हैरान होंगे कि इसमें इतना सारा कुछ क्या रखा हुआ है। ये आप ज़रा गौर से देखें, इसमें ये प्रिंकल्स हैं, पानी है, बिस्किट्स है, निम्को है, किटकैट है और ये सबसे बढ़कर ये चाय का सामान थर्मोस। तो बेसिकली मैं जा रहा हूँ यहाँ अबू धाबी से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के फासले पर, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी रास्ते में थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह की। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने पहले से स्नैक्स रेडी करके रखे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घर से रवानगी हो चुकी है, ये मैं अभी अपने निकल रहा हूँ यहाँ से बेसमेंट से, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर का मतलब चंद घंटों तो वहाँ जाके मुलाकात होती है इंशाल्लाह। 3 hours later तो जी गाड़ी खड़ी कर दी है और हम रफीकी सियालकोट ये पहुँच गए हैं शारजा। अब आप देख लें जी, शारजा में ये दो किस्म के सियालकोट हैं। आप एक तरफ है कसर सियालकोट और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है रफीकी सियालकोट, ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने चूज़ करना है कि किस में आपने जाना है। इनमें से जो पुराना है वो कसर सियालकोट है। ये आप देखेंगे स्टॉप बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ की स्पेशल चीज़ कौन सी है? स्पेशल हमारी स्वीट भी है पाकिस्तानी स्टाइल, और बर्गर भी है, और समोसा चाट भी है। ठीक है, आपको विज़िट कराएंगे। और हमारा दही पल्ला और चना चाट स्पेशल है, और बर्गर स्पेशल है, पिज़्ज़ा और स्पेशल है। ये हमारे स्पेशल दही पल्ले है पाकिस्तानी स्टाइल। हाँ, बर्गर करी पार्सल। ये क्या है? ये ग्रीन चटनी है सर। ग्रीन चटनी ना, हरी मिर्च। ये देखें जी कितना अच्छा और कितनी खूबसूरत चिकन की ये दही भले बना रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखें तो इस पे ज़रूर आए। ये सबसे पुरानी है शॉप जी, और ये शारजा की ये स्पेशलिटी है। तो ये भाई देखें कितनी ज़बरदस्त महारत से भाई ने बनाया। आपका नाम क्या है? सर काशिफ। कितने साल हो गए आपको यह काम? कम से कम 6 साल हो गए सर। 6 साल से माशाल्लाह जबरदस्त बस हुआ। तो ये साइड पे फलूदा रखा हुआ है? जी जी, ये सर हमारा फलूदा है। आ रहे हैं ये आप देखें, जैसे कि ये आपको ये इस दुकान पे कितने साल हो गए? सर इंशाल्लाह 6 के 7 साल हो गए मुझे। 6-7 साल जी। तो ये आपकी यहाँ की फेमस दुकान है? इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा फेमस है ये। तो आपकी ज़्यादा स्पेशल चीज़ कौन सी है? हर एक चीज़ माशाल्लाह अच्छी चलती है हमारी। किसी चीज़ की चलती है तो हर जगह की एक चीज़ स्पेशल होती है ना, तो आपकी क्या चीज़ स्पेशल है? सर ये दही पल्ले, चना चाट, गोलगप्पे, कुल्फी, फलूदा, रसमलाई, हर किस्म। हर एक माशाल्लाह आगे दिन चेंज हो जाएंगे, गर्मी वाले आएंगे तो रसमलाई, कुल्फी, फलूदा, ये रबड़ी दूध, ये सब फ्रूट क्रीम चाट, ये सब आइटम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चलती है जी। ये ताज़ा निकाली हुई जलेबियाँ पड़ी हैं और उस तरफ समोसे बन रहे हैं। तो भाई ये देखें ज़बरदस्त जी, वो देखें ये भाई हमारे समोसे कर रहे हैं, तल रहे हैं। और ये देखें वाह जी ज़बरदस्त जी। स्पेशल समोसा, अच्छा जी वाह जी, ये तो चसा आ गया ना जी फिर। वाह जी चस आ गया। और ये इस साइड पर क्या है? चने हैं। अच्छा चने हैं, ये समोसा चाट। समोसा चाट के लिए सादा समोसे के साथ ज़रा दिखाएं ज़रा चने। ये चने हमारे स्पेशल। ठीक है, इधर आए आपको मीठी चटनी और ये बर्गर भी है। सर जी क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद सर। मुख्तार अहमद साहब, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद जलील भाई। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद नदीम साहब। तो जी ये देखिए इन्होंने इस तरह चटनियाँ बनाई हुई हैं। ये मीठी चटनी है समोसे वाली, ठीक है, दही भले वाली। ये समोसे का रहता है, ठीक है, स्पेशल हमारा रहता है। तो ये देख लें ये सब चीज़ें बड़ी ज़बर और ऑर्गेनिकली
और अच्छी चीज तरीके से बनाई गई हैं। और ये देखें कश्मीरी चाय है, ये देखें जी कश्मीरी चाय, वाह क्या बात है जी। मैं आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ, कश्मीरी चाय है, ये पीते हैं बाद में। ये वो देखें भाई, ये इधर क्या बना रहे हैं, ले जी इन्होंने पाकिस्तानी स्टाइल से अंडा शामी बर्गर बनाया है। ये टिकियाँ पड़ी हुई हैं इस दाल तरफ, और चिकन की टिकी है ये। दाल और चिकन की है, इसके साथ ये फ्राइज होते हैं, ये फ्राइज होते हैं इसके साथ ना, अंडा शामी बर्गर है इसके साथ स्पेशल फ्राइज होती है। आप ठीक है, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान साहब। अच्छा ये देखें जी, ये समोसे ताल हो रहे हैं और यकीन माने सेम खुशबू वही आ रही है जो से हम शालमी या चबुर्जी के समोसे खाए ना जाके, आलू के समोसे हैं ये। और साथ ये देख लें आप चने, क्या ही बात है, फर्स्ट क्लास। अच्छा गर्मा गर्म साथ साथ निकालते हैं, साथ साथ बेचते हैं, मतलब एक बार स्टॉक निकाल के नहीं रखते हैं। अच्छा तो ये आपने बर्गर फ्राइज ही आपका एक किस्म का वो है, क्या कहते हैं पैकेज है ये? जी जी पैकेज है। ये कितने का देते हैं? ये 10 दरम सर, 10 दरम का। और समोसा कितने का सर जी? समोसा जो इधर खाएंगे टेबल पे वो 3 दरम का है, जो टेबल पे खाएंगे सादा समोसा वो 3 दरम का है, अगर साथ लेके जाए तो वो 2 दरम का एक है। और सिंगल समोसा चाट जो हम बनाते हैं वो 3 दरम की है, वो जो डबल बनाते हैं वो 6 दरम की। अच्छा ये देखें जी, दूसरी तरफ चलते हैं भाई, कहते हैं कुछ चीज़ें और भी दिखानी है तो पंजीरी है, सर्दियों की आइटम। जी सर ये पंजीरी है, सर्दियों की आइटम है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी होती है हमारे पास। जी 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 इंशाल्लाह टेस्ट करें आप। और ये कैरेट का हलवा है, खोया डाला हुआ है इसमें, और उसके साथ जो है ना दाल का है, दाल माछ का, दाल माछ का हलवा है। जी नहीं ये बनाते हैं इंशाल्लाह, आपको टेस्ट करवाते हैं अभी। और इसके बाद ये देखें फ्रूट चाट, फ्रूट क्रीम चाट, फ्रूट चाट है सर। जी सर ये फ्रूट चाट को आपने ऐसे अंदर इधर रखा हुआ? वाह जी वाह, क्योंकि ये खराब हो जाती है। जी खराब हो जाती है, फिर आपने फिर अबू धाबी से इधर आने का फिर हक अदा कर दिया। कोई बात नहीं इंशाल्लाह। ये देखें जी फ्रूट चाट, बहुत उसका वैसे ही खिलाओ अपन देख के, बड़ा मुंह में पानी आ गया, और बहुत ही नाइस किस्म। वो दूसरी तरफ रबड़ी दूध है, रबड़ी मिल्क, ये तो साथ इसके अंदर ये फ्रीज नहीं होती, जम नहीं जाती? जम जाती है, लेकिन हम लोग बाहर निकाल देते हैं इसको। अच्छा बाहर निकाल देते जी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बाहर रखेंगे ख़राब हो जाती है। ये इधर रसमलाई भी है, एक और स्पेशल आइटम, ये रसमलाई भी है। अच्छा ये रसमलाई है जी, साथ में स्पेशल खीर भी है। अच्छा ये रसमलाई तो ज़रा देखें तो सही। जी जी चेक करें, क्या बात है, तो बहुत जी। और नीचे खीर है, नीचे खीर है भाई जी स्पेशल, और रबड़ी दूध भी है, रबड़ी दूध भी है जी। और मैं कहता हूँ अगर आप शारजा आते हैं तो इधर ज़रूर आए इंशाल्लाह। और ये ऊपर फेनी रखी हुई है जी, फेनी है, केक रस्से, दही भले वाली बूंदी है, पाकिस्तानी रस हैं, बेबी रस, कटे हुए रस, गोल रस, यानी काफ़ी ज़्यादा आइटम है इंशाल्लाह हमारे पास। अच्छा माशाल्लाह, समझ लेके आप पाकिस्तान में खड़े हैं इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, क्या बात है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तबेदर सर, जैसे आपने देखा कि मैं अभी ये कसर से आलकोट के सामने खड़ा हूँ, और इनसे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो चलें चलते हैं देखते हैं। हमारा ये फैमिली वाला, और हमें ये भाई एक मिल गया है मोहसिन भाई, ये ला ये कह लें कि जी शारजा क्या बहुत सब कुछ जानते हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ भी अभी संगत रहेगी। आ जाए, और सर क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? ठीक है, ये बहुत हमारे नाइस भाई हैं, तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं और गपशप करते हैं और खाना भी खाते हैं। खाने वाले खुद बाहर बैठ के अकेले अकेले खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं भाई जान? मटन बनाया अपने लिए बनाया कि लोगों के लिए भी बनाया? अपने लिए बनाते हैं। अच्छा ये अपने लिए स्पेशल है, ये देखें जी मटन बनाया इन्होंने अपने लिए, ये बता रहे हैं यहाँ एम्प्लॉई हैं और यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा जरा इनको भी जरा पकड़ें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।